जीके की झनकार को पहुंचा रहे हैं ब्रजमोहन गोला जी गांव भक्तावली से, और जो आपके सामने चिकड़ी भजनों की गायिका है पूजा डागोर जत्यारे अलीगढ़ से। परिचय बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं। आइए जितनी भी सरदारी इस चिकड़ी प्रांगण में बैठी है, दूर दराज से आए मेरे तीन महान भाव, मेरे पिता के तुल्य मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनती हुई सीता के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृशक्ति एवं मेरी माता बहना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले पूजा डाकुर जगतारी की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम साहब, राधे राधे सरदारों, राम राम में हंसी खुशी लियो, लाली बहुत दूर से आई है। हैं, गौर करिए, कभी चार लाइन लिख रहा है चाचा जी, छोड़ दिया कुछ ऐसे शब्दों को, लिख दिया कुछ ऐसे शब्दों को जो आज भी हमारी समाज में अपना वर्चस्व, अपना बोलबाला, अपना स्थान लिए हैं। चार लाइनों के माध्यम से आपके लिए कभी एक तोहफा भेज रहा है पैक करके, और रामवीर भैया कैसे क्या लिखा है। कि फूस की आग और भुजे जल से और जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे, और छान गिरे थूनी ते डटे और ये आसमान गिरे तो डटे कहो, मेरा बियो धको लेख मिटे कहो। श्रोताओं, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम, और कार्यक्रम के साथ साथ मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया परम पिता परमेश्वर ने। चार लाइन और भवानी में लिख रहा है कभी, और एक बार फुर्ती में आ जाओ साहब, तमें सुबह जयमना हुए, और एक बार ठाकुर जी के चरणों में सुंदर सा जयकारा बोलो गिरिराज महाराज की, और कवि लिख रहा है रामवीर भैया कैसे। ए! और ये कंचन जैसी काया तेरे और काम नावेगी, ओ बाबरे ये माया यही रहे माया यही रह जावेगी, ओ
और कहा और आया भी अकेला जग में याद रामी भैया आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला और चाचा भैया आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला और बावन की तो पन्नी की गांठ नहीं खुल रही रुपयन के नाम के बहुत देर देर लग रहे हैं मेहनत कर रहे हैं है? कहा आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला और दो दिन की जिंदगी है और दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला और याद है और भाई बंधु और नारी तेरी क्या और भाई बंधु और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी और कवि लिख रहा भैया और भाई बंध और नारी तेरी और इसी बीच ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बड़े भाई साहब रश्मि सिंह गगवाना से दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं धर्म रामी भैया कहा और भाई बंध और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी और 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे बड़े भैया हवलदार सुरेंद्र सिंह जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं और इसी बीच अच्छा 40 चाहिए तो मैं वापस ले साहब इतक तो आमंदनी ना है भाई बाबा भैया और भाई बंद और नारी तेरी 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं कहा और भाई बंध और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी अरे ओ बाबरे ये माया यही रह जावेगी ओ बाबरे ये माया यही रह जावेगी याद है प्रसंग नहीं है ऐसी कोई शेष कथा नहीं जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो प्रसंग सारे वही है कथाएं सारी वही है लेकिन कवियों की कविताई और गायकों की के ढंग तरीके अलग अलग हुआ करते हैं एक छोटा सा प्रसंग एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक रोज भगवान भोले शंकर गौरा मैया के साथ एक जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए अर्थ में जवाब दिया वाही बनी में शिव पार्वती आहा वाही बनी में और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लबज धर्मवीर और करमवीर में धर्मवीर और करमवीर में दया वीर सुज्ञानी अरे भैया दानव में अच्छो आज गौरा मैया के मन में विचार हुआ क्यों ना राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए गौरा मैया राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही है जिगड़ी की झड़ा रही है और कवि लिख रहा है भैया राम में कैसे हे और धर चंडालन को और भेष लटक रहे और केस रूप अति भौड़ा
और सोने को सोना भैया और सोने को सोना और जवई है जाए जब देख लिया को मोड़ो चाचा न्यो पतो चलती रहे तम सुन रहे कथाएं ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हो हैं ये प्रसंग चल रहा है और चार लाइन लिख रहा है कभी भैया कैसे चंद को अपने समक्ष अपने निकट
अपने समीप आपते हुए देखा है और चौक में जवाब दे रही है रामी रोहिया कैसे भैया और या की ए और परे ना है और या की एक लगम चले ना है और या पे गठरी Love.